आग में जल रहा है। एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल गया है। फ्रांस में हालात बेकाबू हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी को फ्रांस भेजने की बात कही जा रही है। इस ट्विटर यूजर का कहना है कि भारत को फ्रांस में दंगे की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए और वे इसे 24 घंटे में ही रोक देंगे। सोशल मीडिया पर ये ट्वीट जबरदस्त वायरल हो रहा है और ये ट्वीट उस वक्त और ज्यादा चर्चा में आ गया जब इसे योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में रिट्वीट कर लिखा कि जब भी दुनिया के किसी हिस्से में दंगा भड़कता है, कानून व्यवस्था बदहाल होती है, तो दुनिया योगी मॉडल की मांग करती है। जैसे ही इस वायरल ट्वीट को योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से रिट्वीट किया गया तो उत्तर प्रदेश में भी फ्रांस के दंगों के बारे में चर्चा तेज हो गई। सीएम योगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी। दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी को फ्रांस भेजने की बात करने वाले ये यूजर यूरोपीय प्रोफेसर हैं। हालांकि इनकी पहचान को लेकर संशय बना हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि जी हिंदुस्तान इस बारे में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है। बता दें, पिछले 5 दिनों से फ्रांस दंगों की आग में जल रहा है। बताया जा रहा है कि 27 जून को ट्रैफिक पुलिस ने अल्जीरियाई मूल के एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी थी, जिसके विरोध में दंगा भड़क उठा। दंगों के चलते फ्रांस में अब तक कई प्रॉपर्टी और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है।